हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ, HSSC CET ग्रुप डी की। जैसे कि आपको पता होगा कि साल 2023 है ना, सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने भी खोल दिया है। हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कितनी निकाली हुई है, 22,000+, 22,000+ वैकेंसी निकाल दी है। और इसको एग्जाम को निकालने के लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको इतने नंबर चाहिए और इतना पढ़ने से निकल भी जाएगा। और जैसे कि आपको पता है इसमें कि HSSC के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इसमें सिलेबस है वो क्या है, हरियाणा जीके जो आपकी, हरियाणा जीके कितने मार्क्स की है, 25, मतलब 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं। फिर इसके बाद मैं बात कर लूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी हिंदी और आपकी नेशनल जीके, ये सब कितने मार्क्स के हैं आपको पता होगा। ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, ये भी 15 का। 15 × 5 करोगे 75 एंड प्लस 25 आपके पास ना, मतलब 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे एग्जाम में। आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, 100 क्वेश्चन। तो द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इस एग्जाम को निकालने की, तो आप हरियाणा जीके पे मेन फोकस करो, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ गया। अगर आप 25 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 20 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हो, इतने तो ठीक करने हैं, आप 21 करो 22 ठीक करो वो और द बेस्ट है, लेकिन आपको 20 तो कम से कम ठीक करने। और ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ 15 15 30 मार्क्स हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, तो आपको 30 में से कम 29 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भाई ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, नहीं हो रहा है, सीरीज नहीं बन रही है। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है दोनों, भैया आप बचपन से इंग्लिश हिंदी पढ़ते आ रहे हो, आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी 20 नंबर आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के सब्जेक्टों में यहाँ पर 25 नंबर स्कोर कर लेने हैं। और ये बच्ची आपकी नेशनल जीके, आप थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ते रहो, 4 से 5 नंबर, क्योंकि तुक्का तो लगाओगे, गैसिंग तो करोगे, तो 4 से 5 नंबर तो यहां से भी आ जाएंगे आपके। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको सम करके देखो इनका, 20 और 29 49 और 25 74 4 78, या फिर 5 जोड़ेंगे तो 79, तो आप कह सकते हो कि 78 से 80 मार्क्स आराम से स्कोर किया जा सकता है। यहां से अगर कोई बच्चा 1 या 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो वो सिलेक्शन के उतने ही पास जा रहा होगा। अगर कोई बच्चा 80+ स्कोर कर लेता है, 80 क्वेश्चन ठीक है, 81 ठीक है, तो 101% गारंटी है कि उस बच्चे का हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपके घर एक गवर्नमेंट नौकरी जा रही होगी, सरकारी नौकरी जा रही होगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।